हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखो, हम लोग हमारे चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने बैलेंसिंग और रेडॉक्स रिएक्शन सीखने के बाद एन फैक्टर क्या होता है ये सीखा था, और कैसे हम अलग अलग स्पीसीज के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं ये हमने बात की थी। लास्ट क्लास हमने जो अपना लेक्चर फिनिश किया था वो किया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के ऊपर, जहाँ पर मैंने आपको K-MnO4 से मिलवाया था। और यहाँ पर हमने सीखा था कि ये जो आपका K-MnO4 है, MnO4-, ये तीन अलग अलग मीडियम्स में तीन अलग अलग तरीके से क्या करता है, बिहेव करता है। तो आपको याद ही होगा कौन कौन से मीडियम में कैसे कैसे बिहेव करता है। जब आपका मीडियम होता है एसिडिक, हाँ, तो ये कन्वर्ट होता है Mn2+ में, और इसका इन्फेक्टर कितना होता है, 5। जब आप हो इन न्यूट्रल मीडियम, तो न्यूट्रल मीडियम में ये भाई साहब कन्वर्ट होते हैं इन MnO2, जहाँ पर ये +4 स्टेट में आता है, +7 से +4 में आ गया, इसका इन्फेक्टर कितना होगा, 3। और लास्ट था आपका मीडियम अगर बेसिक हो, एल्कली हो या फिर बेसिक मीडियम हो, तो ये कन्वर्ट होता है मैग्नेट आयन में, जहां पे इसका ऑक्सीजन नंबर आता है +6, और इस केस में इसके लिए इन्फेक्टर कितना होगा, 1। फर्दर मैंने आपको यहां पर कुछ रिएक्शन से मिलवाया था, टोटल 4 रिएक्शन हम लोगों ने यहां पर पढ़ी थी, जिनको मैंने कहा था कि आपको याद रखनी होगी, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। तो नोटबुक आपके सामने है, अगर आपको याद नहीं है तो बस आप देख देख कर रिप्लाई करते रहें कि हमने कौन किसको कन्वर्ट करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा। तो हमने कुछ केसेस देखे थे। पहला, बताओ K-MnO4 एसिडिक मीडियम में Fe2+ को किस में कन्वर्ट करेगा, Fe3+ में, ठीक है। रिएक्शन में लिखी थी, बैलेंस आपने जरूर से की होगी, ठीक है ना। ऐसे ही बताओ ये ऑक्सलेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 में। ऐसे ही I- को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में। और एक रिएक्शन हमने जो कवर की थी Fe2+ C2O4-2- I- आई थिंक हम लोग ने की थी, H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये सल्फर में। तो 4 रिएक्शन हमने कवर कर ली थी लास्ट क्लास। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिएक्शन है जिनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जिनको ये कन्वर्ट करता है। तो फिफ्थ से हम स्टार्ट करते हैं, एसिडिक मीडियम में K-MnO4 H2O2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो आप रिएक्शन लिखें, रिएक्शन क्या बनेगी, MnO4- H2O2। मीडियम कौन सा है, एसिडिक, तो H+ चेंजेस टू, बताओ MnO4- खुद किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+ में। H2O2 को ये किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, O2 में, और साथ में पानी तो फ्री में मिलता है, याद है। क्या आप मुझे यहाँ पर एनफेक्टर्स बता सकते हो, फिक्स्ड है इसका एनफेक्टर तो कितना आएगा, 5। यहाँ बात करते हैं, बताओ हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, वेरी गुड, -1, परऑक्साइड है ना, -1 से ऑक्सीजन देखो यहाँ कहाँ पहुँच रहा है, 0 स्टेट में, तो -1 से 0 गया तो कितने का चेंज, 1, सही है, इंटू यहां कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 1 × 2 दैट इज कितना आ गया, 2। तो इस रिएक्शन में H2O2 का इन्फेक्टर कितना होगा, 2 होगा, सही है, कर सकते हैं। चलो मूव करते हैं अपनी सिक्स्थ रिएक्शन में। अगर आपके पास टिन है Sn2+ स्टेट में, तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है इंटू Sn+4, किसमें ऑक्सीडाइज करता है, Sn+4 के अंदर। तो बताओ रिएक्शन क्या बनेगी, रिएक्शन फिर से वही रिपीट होगी, MnO4- Sn2+, मीडियम कौन सा है, H+ एसिडिक, किसमें कन्वर्ट होगा, Mn2+ Sn4+ H2। अगेन इन्फेक्टर्स निकालो, तो इसका इन्फेक्टर तो कितना आ जाएगा, वही 5। ये देखो +2 से +4 जा रहा है, 2 का चेंज, तो इसका इन्फेक्टर कितना होगा, 2, सही है, कर सकते हैं। चलो एक और लास्ट, ठीक है, इसमें क्या होगा आपके पास, अगर आपके पास है SO2, तो SO2 को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, SO4-2- में कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट करेगा, SO2 को SO4-2- में कन्वर्ट करेगा। तो रिएक्शन फिर से आप वही लिख सकते हो, क्या बनेगी, देखो MnO4- SO2 H+ चेंजेस टू वही Mn2+ प्लस इसको बनाएगा सल्फेट में, और खुद जाएगा साथ में क्या बनाएगा, वाटर। तो इन्फेक्टर्स अगर आप फिर से देखो, तो इसका इन्फेक्टर तो हो जाएगा वही 5। सल्फर, बताओ सल्फर यहाँ कौन से स्टेट में है, +4 है, बताओ यहाँ सल्फर कौन से स्टेट में आएगा, +6। +4 से +6 गया, कितने का चेंज, 2, तो यहाँ पर सल्फेट का, SO2 का इन्फेक्टर कितना हो जाएगा, 2।
इस तरह से कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो हम इनको बार बार यूज़ करेंगे, आप बार बार यूज़ करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी, और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। चलो, ये था अपना पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका नाम था KMnO4। हमने देखी इसकी एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शंस। अब आप बोलोगे बेसिक और न्यूट्रल में, तो बेसिक और न्यूट्रल में एज सच हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो जब ये यूज़ करेगा तो आपको क्वेश्चन में खुद ही बता देगा कि भाई बेसिक मीडियम ने इसने एक्स को वाई में कन्वर्ट किया होगा, वो आपको याद नहीं रखना है। लेकिन वो इनके बारे में नहीं बताएगा, ये तो आपको खुद को ही याद रखने होंगे। क्लियर? चलो कॉपी करो, फिर मैं मिलवाता हूँ आपको दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। कॉपी करो, फिर उससे मिलते हैं। तो देखो, जो अपना अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7। ठीक, तो K2Cr2O7 को अगर आप देखो तो ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑल्दो अगर आप इसे KMnO4 से कंपेयर करो तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ होता है वो KMnO4 से रिलेटिवली क्या होता है, कम होता है। ठीक, लेकिन इसको यूज़ करने के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ एडवांटेज होता है इसका KMnO4 के ऊपर। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो बात करते हैं एसिडिक मीडियम में ये हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, Cr+3। किसमें कन्वर्ट होगा? Cr+3 में। तो यहाँ पर आपको इसका n फैक्टर देखना है, एसिडिक मीडियम में इसका n फैक्टर कितना होता है। तो आप देखो यहाँ पर क्रोमियम कौन से स्टेट में आएगा, +6 से गया +3, बताओ कितने का चेंज आया, 3। हाँ, वेरी गुड। यहाँ कितना क्रोमियम है, 2, तो 3 × 2, बताओ नेट चेंज कितने का आएगा, 6। तो इस रिएक्शन में डाइक्रोमेट का n फैक्टर कितना है, 6। आप चाहो तो यहाँ पर सिर्फ क्रोमियम का n फैक्टर भी निकाल सकते हो, बताया था ना मैंने, बताओ कितना होगा। हाँ, वेरी गुड, कितना होगा इसका n फैक्टर, 3 होगा। इधर से इधर चले जाओ तो +3 से +6 जा रहा है, 3 का चेंज, यहाँ पर एक क्रोमियम है तो इसका n फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। खैर, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम किससे बात कर रहे हैं, डाइक्रोमेट से बात करें। तो जैसे KMnO4 का n फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 होता है, सेम वैसे ही डाइक्रोमेट का n फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना होगा, 6। बोले यहां तक बात समझ में आती। अब काम की बात क्या है, जितनी रिएक्शंस, जो रिएक्शन KMnO4 शो करता है वो सारी की सारी रिएक्शन कौन शो कर सकता है, K2Cr2O7 भी शो कर सकता है। तो इसलिए इसका जो प्रोसेस है, जिसके यूज है, वो एग्जैक्ट जो रिएक्शंस आपने पढ़ी थी वो सारी रिएक्शन यहाँ रिपीट होगी। और अब आप कॉपी में नहीं देखोगे, अब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और मुझे बताओ कि कौन कौन किसमें कन्वर्ट होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक एक पॉइंट से। बताओ K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में Fe2+ को किसमें कन्वर्ट करेगा? हाँ, ये तो आसान है, Fe3+ में। तो आप रिएक्शन लिखो, बताओ रिएक्शन क्या बनेगी, Cr2O7 2- प्लस Fe2+ + H+। तो इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, Cr3+। Fe2+ को किसमें कन्वर्ट करेगा, Fe3+, और साथ में क्या बनेगा, H2 बनेगा। पहली रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, चलो ये आपका काम है, आप इसे बैलेंस करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बताओ सेकंड रिएक्शन, ऑक्सीलेट को किसमें कन्वर्ट करेगा? हाँ, वेरी गुड, ऑक्सीलेट को किसमें कन्वर्ट करेगा, CO2 में कन्वर्ट करेगा। रिएक्शन लिखें, बताओ रिएक्शन क्या बनेगी, पहले तो CR2 लिख लेते हैं, तो Cr2O7 2- प्लस C2O4 2- प्लस H+, चेंजेस टू कौन, Cr3+ प्लस CO2 प्लस H2। अरे भाई n फैक्टर तो रहेगा ना, n फैक्टर से बताओ, इसका n फैक्टर तो कितना हो गया, 6। इसका n फैक्टर, वेरी गुड, 1, +2 से गया +3, एक का चेंज। इसका n फैक्टर अगेन 6, बताओ ऑक्सीलेट का n फैक्टर, रटना नहीं है, कैलकुलेट करो, कैसे देखो कार्बन कितना आ गया यहाँ पर, +3। +3 से कार्बन यहाँ किसमें पहुंच रहा है, +4, तो +3 से +4, 1 का चेंज (2 कार्बन, तो चेंज कितने का आ गया, 2। तो यहाँ पर ऑक्सीलेट का n फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। थर्ड बताओ, थर्ड किसको किसमें कन्वर्ट करेगा, हाँ I- को किसमें कन्वर्ट कर देगा, I2 में।
तो रिएक्शन फिर से लिखो आप, रिएक्शन क्या बनेगी, Cr2O72 माइनस प्लस आई माइनस प्लस एच प्लस चेंजेस टू Cr3 प्लस प्लस I2 प्लस H2। हो गई थर्ड रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन क्या करेगा बताओ, H2S को किस में कन्वर्ट करेगा, हाँ सल्फर में कन्वर्ट करेगा। तो आओ बाकी रिएक्शंस को भी कंटिन्यू करते हैं। तो देखो फोर्थ रिएक्शन क्या है अपनी, फोर्थ रिएक्शन है H2S को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, सल्फर में। तो रिएक्शन क्या बनेगी, वही Cr2O72 माइनस प्लस H2S प्लस H प्लस चेंजेस टू Cr3 प्लस प्लस सल्फर प्लस H2। अब देख रहे हो मैं रिएक्शन बार बार लिख रहा हूँ, पूरी पूरी लिख रहा हूँ, इसलिए ताकि आप भी इस चीज़ को फॉलो करो, जो मैं कर रहा हूँ वही आप करो। देखो याद ऐसे ही होता है, लोग ये सोचते हैं कि यार क्यों बार बार लिख रहा है, पागल हो गया। बार बार इसे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो, मैं रिपीट करूँगा जितनी बार, आप खुद रिपीट करोगे जितनी बार उतनी ही अच्छी तरीके से आपको रिएक्शन याद होंगी। तो सर लिखने का तरीका आएगा कि जब कभी बैलेंसिंग आती है ये अपन यूज़ करेंगे इन्फेक्टर्स के लिए तो आपके काम में आ जाता है ना, कई बार हमें कोफिशेंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है, आप आगे देखोगे तो बैलेंसिंग आना भी ज़रूरी है। ऐसे ही फिफ्थ बताओ, फिफ्थ रिएक्शन क्या थी, किसको किस में कन्वर्ट करा था, H2S को सल्फर में कर दिया, बताओ H2O2 को किस में कन्वर्ट करेगा, वेरी गुड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है रिएक्शन लिखो बोलो, हाँ Cr2O72 माइनस प्लस H2O2 प्लस H प्लस चेंजेस टू Cr3 प्लस प्लस O2 प्लस H2। सही सिक्स्थ, हाँ वेरी गुड SN2 प्लस को किस में कन्वर्ट कर देगा, SN4 प्लस में। और सेवेंथ रिएक्शन क्या थी, SO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, SO42 में। ऐसा नहीं है ऐसे सात ही रिएक्शन शो करते हैं, इनसे ज़्यादा भी शो करते हैं ठीक, लेकिन ये कुछ कॉमन है जो आपके जनरली काम आती रहेंगी। इनमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये पहला, सेकंड, थर्ड, एक ही H2O2 वाला फोर्थ और एक H2S वाला फिफ्थ। ये तो सबसे ज़्यादा आपके काम में आते हैं, इसलिए पाँच तो आपको एटलीस्ट याद रखनी ही रखनी है। तो हम मिले दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, एक का नाम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, एक का नाम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन कई जगह पर हम KMnO4 को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो जहां हम KMnO4 को यूज़ नहीं कर पाते हैं वहां पर हम किसको प्रेफर करते हैं, K2Cr2O7 को प्रेफर करते हैं। तो कहां नहीं पता कर पाते हैं, कहां नहीं यूज़ कर पाते हैं, उस चीज़ की हम लोग बात करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि हम KMnO4 को कहां यूज़ नहीं कर सकते और उसकी जगह हम लोग किसको यूज़ कर सकते हैं ठीक। तो ये आप नोट डाल के लिख लो, इसका जो एग्जैक्ट लॉजिक है ना वो तो आप 12th क्लास में जो हम चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां से आपके पास निकल कर आएगा, लेकिन अभी आप इसको यहां पर एज ए नोट समझ लें। होता क्या है, KMnO4 कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ HCl फॉर ऑक्सीडाइजिंग अदर सब्सटेंसेस एज KMnO4 बीइंग, है ना, पहले मैं लैंग्वेज लिखता फिर समझा दूंगा आपको, अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस Cl- फ्रॉम HCl टू Cl2 along with other substance। देखो क्या कहना चाहता है ये, यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है, कवि समझते हो ना, हिंदी पढ़ी होगी ना थोड़ी बहुत, हिंदी बोलते थे, यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि भाई अगर आप KMnO4 को यूज़ करो टू ऑक्सीडाइज Fe2+, है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हम किसी को भी ऑक्सीडाइज कर लें, तो मैं Fe2+ को यहाँ ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, और बताओ रिएक्शन कौन से मीडियम में होती है, एसिडिक, उसके लिए आपको यहाँ H+ लाना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ पर H+ प्रोड्यूस करने के लिए HCl यूज कर लिया तो ये रिएक्शन होगी तो सही, Fe2+ ऑक्सीडाइज भी होगा, लेकिन इसमें कुछ एरर्स हो जाएंगे, इसमें कुछ
प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो MnO4 माइनस Fe2 प्लस को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है किसमें, Fe3 प्लस में, साथ ही साथ ये Cl माइनस को भी किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl2 में, ठीक। तो इससे आप बोलो कि तो कोई बात नहीं हो जाएगा, क्या हो गया, Fe2 प्लस तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अभी हम ना टाइट्रेशन पढ़ेंगे आगे चलकर, मैं वहां पे और दोबारा समझाऊंगा आपको ये चीज, पर आप ध्यान देना, आपने अभी हम जो MnO4- यूज कर रहे हैं उसका काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करे, Fe2+ को ऑक्सीडाइज करे, लेकिन अगर यहां पे आपने HCl यूज कर लिया तो बताओ क्या सारा MnO4- सिर्फ Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, साथ में किसको कर रहा है, HCl को। तो यहां जो आप MnO4- यूज कर रहे हो वो सिर्फ इसके काम नहीं आ रहा है, इन दोनों के काम में आ रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे, जो मेजरमेंट करेंगे एक्सपेरिमेंटल उसमें एरर आएगी, इसलिए हम HCl की प्रेजेंस में KMnO4 को यूज नहीं करते हैं, रादर इसकी जगह हमको किसको यूज करना चाहिए, K2Cr2O7 को। सो K2Cr2O7 इज यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ HCl एज Cr2O7-2- डू नॉट ऑक्सीडाइज Cl- आयंस, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, हाँ इसको आप H2SO4 की प्रेजेंस में यूज कर सकते हो, जब H2SO4 होगा तो यहां सल्फेट आयन होंगे, KMnO4 सल्फेट आयन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि सल्फेट आयन, सल्फर यहां पर कौन सी स्टेट में है, +6 अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फर +6 से ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो H2SO4 की प्रेजेंस में तो आप दोनों यूज कर सकते हो, KMnO4 भी यूज कर सकते हो, K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो, लेकिन HCl की प्रेजेंस में आपको क्या यूज करना चाहिए, K2Cr2O7 यूज करना चाहिए। आई बात समझ में, तो ये थे अपने दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और इनके थ्रू शो होने वाली रिएक्शंस, ठीक। अब आप नोट कॉपी करो, फिर मैं आपको मिलाता हूँ कुछ और नए सब्सटेंसेस से, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी मिलना है अपने, अभी तो दो से मिले हो, अभी एक और सब्सटेंस आने वाला है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की भी तरह काम कर सकता है। तो जितनों से मैं आपको मिलवा रहा हूँ ये सब हमारे लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी ना हम अपना बेस क्रिएट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, फिर हम अभी आगे चल के इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना। तो उन सबको क्लब करने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर एंटर करेंगे। तो बहुत ध्यान से आप देखना, कॉपी करो, मिलवाता हूं मैं आपको अगले सब्सटेंस से, अगले ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स से। तो देखो जो अपना अगला सब्सटेंस है दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से मैं आपको मिलवाऊं H2O2, तो ये भी आपके बहुत काम में आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इसके लिए अगर आप बात करो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है, किसकी तरह काम कर सकता है, दोनों की तरह। तो बात करते हैं इसके बारे में, पहला पॉइंट तो उसके लिख दें, इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। तब जब ये दोनों की तरह काम कर सकता है तो दोनों ही केसेस में अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। अब आप देखो, आपको प्रोडक्ट रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, इसका इन्फेक्टर सबसे आसान है और मेरे बिना बोले वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तो वो तो साइड में रख दो, प्रोडक्ट बनाना सीखो आखिर इसके ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा और इसके रिडक्शन से क्या बनेगा। तो बताओ जब ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा तो इटसेल्फ क्या होगा, सही बात है, इटसेल्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा, होगा। तो चलो प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करते हैं, H2O2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना है, H2O2 में ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है, -1 परऑक्साइड है। अब देखो किसका रिडक्शन पॉसिबल है, -1 +1 है। अब आप मुझे बताओ अगर इसका खुद का रिडक्शन होना है तो ऑक्सीजन -1 से कहां जा सकता है, -2 में, ठीक। और हाइड्रोजन अभी +1 में है, +1 से किसमें जा सकता है, 0 में। तो या तो यह है कि ये ऑक्साइड बनाए, ठीक, ऑक्साइड में क्या बना सकता है, ये H2O बना सकता है, ठीक। तो होगा क्या,
ऑक्सीजन यहां पर माइनस वन स्टेट में है, तो माइनस वन स्टेट से ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होगा? देखो यहां पर माइनस टू स्टेट में कन्वर्ट होगा। कौन सी स्टेट में कन्वर्ट होगा? माइनस टू स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो माइनस वन से माइनस टू गया, तो बताओ यहां पर H2O2 का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक। ऑल्दो यहां पर इसका भी रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन प्लस वन से चला जाए जीरो में, लेकिन फिर ऑक्सीजन को माइनस वन स्टेट में रहना होगा, और माइनस वन स्टेट में इसका कोई और प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो पहली चीज, जब ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो इटसेल्फ क्या होगा? रिड्यूस। और जब ये रिड्यूस होगा तो ऑक्सीजन को माइनस वन से किस में कन्वर्ट करेगा? माइनस टू के अंदर। यानी जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी H2O। हाइड्रोजन यहां भी प्लस वन था, यहां भी प्लस वन रहेगा। बात समझ आ रही ना? अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाइड्रोजन भी रिड्यूस होकर H2 बना सकता है, ठीक है बना दो, लेकिन अब ऐसा प्रोडक्ट बताओ जिसमें ऑक्सीजन माइनस वन स्टेट में रहे, क्योंकि अगर ये रिड्यूस होगा तो फिर इसको आपको सेम ऑक्सीडेशन नंबर में रखना होगा। बात समझ आ रही? दोनों का एक साथ रिडक्शन नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनेगा जिसमें दोनों ही अपनी लोअर स्टेट में चले जाएं। इसलिए ये H2 में कन्वर्ट नहीं होगा। किस में कन्वर्ट होगा? H2O में कन्वर्ट होगा। तो पहली चीज, जब H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है तो इटसेल्फ किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। बोलो बात समझ में आई? अब आप निकालो N फैक्टर। ऑक्सीजन गया माइनस वन से माइनस टू, बताओ कितने का चेंज? वन है ना, माइनस वन से माइनस टू, और यहां कितने ऑक्सीजन है? टू। तो वन इन टू टू, दैट इज इसका N फैक्टर कितना हो गया? टू। यानी जब H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है तो इसका N फैक्टर कितना होगा? टू होगा। और जो प्रोडक्ट जिसमें खुद कन्वर्ट होगा वो कौन होगा? H2। सही है, चलो सही है। तो फिर बात करते हैं इसकी रिएक्शन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब बताओ, जब ये एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा तो इटसेल्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइज। इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, होगा। और अगर ये इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? तो फिर से बात करो, H2O2 चेंजेस टू किस में कन्वर्ट होगा? O2 में। सॉरी, डायरेक्टली बताया अब तो मैंने आपको। देखो H2O2 में कौन से स्टेट में है? माइनस वन। अब इसको माइनस वन से ऊपर जाना है क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज होना है, तो अगर इसको माइनस वन से ऊपर जाना है तो बताओ ऑक्सीजन की माइनस वन से ऊपर कौन सी स्टेट होगी? जीरो। यानी ये क्या फॉर्म करेगा? O2। हाइड्रोजन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन पहले से ही कौन सी स्टेट में? प्लस वन। तो प्लस वन से ऊपर हाइड्रोजन कहीं और जा ही नहीं सकता है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका पॉसिबल है? ऑक्सीजन का। माइनस वन से ये जाएगा जीरो में, यानी O2 फॉर्म करेगा। तो देखो प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना कितना आसान है। जब ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, खुद रिड्यूस होगा, माइनस वन से नीचे जाएगा ऑक्सीजन, यानी माइनस टू में, तो H2O बनाएगा। जब ये एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा तो इटसेल्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइज। माइनस वन में अभी है, उससे ऊपर जाएगा तो कौन सी स्टेट में जाएगा? जीरो। तो माइनस वन से जीरो, बताओ कितने का चेंज? वन। इन टू कितने ऑक्सीजन? टू। तो यहां पर भी इसका N फैक्टर कितना आ गया? टू। तो जैसे मैंने आपका N फैक्टर याद रखने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करे चाहे रिड्यूसिंग एजेंट काम करे, इसका N फैक्टर कितना आएगा? टू ही आना है। अब तो सारी रिएक्शंस के लिए H2O2 का N फैक्टर कितना होगा? टू। आ रही बात समझ में? चलो, तो ये आप ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, H2O2 का N फैक्टर चाहे एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करे चाहे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करे, दोनों ही केसेस में इसका N फैक्टर आपको कितना मिलेगा? टू मिलेगा। बस आपको डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट्स के अंदर। जब ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा तो खुद H2O में कन्वर्ट होगा, और जब एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा तो O2 में कन्वर्ट होगा। क्लियर? कॉपी करो, फिर मिलवाता हूं आपको अगले रिड्यूसिंग एजेंट से। फिर देखो अपना अगला सब्सटेंस, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये सिर्फ एक रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, दैट इज Na2S2O3। और आप इसे प्यार से एक और नाम से बुलाते हो, दैट इज हाइपो। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2S2O3, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपो बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखें,
सोडियम थायोसल्फेट इज Na2S2O3 और इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम किसके नाम से जानते हैं, हाइपो के नाम से जानते हैं। ठीक, चलो ये तो ये बात क्या होता है, दूसरी चीज ये किसकी तरह काम करता है, इट ऑलवेज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हमेशा किसकी तरह काम करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और जब ये एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, तो बताओ अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहां प्रोडक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा याद ही रखना होगा। तो रिएक्शन क्या होती है, S2O3 2- खुद कन्वर्ट होता है S4O6 2- में। थोड़ा नाम ध्यान रखें तो आपको आसानी रहेगी, कई बार इनको नाम से मिल जाता है। इसे हम बोलते हैं थायोसल्फेट, क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट। क्या आप मुझे बता सकते हो इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने लिखवाया था आपको रेडिकल्स के अंदर, भूल गए, इसको हम बोलते हैं टेट्राथायोनेट। क्या बोलते हैं, टेट्राथायोनेट आयन। ठीक, तो बेसिकली थायोसल्फेट खुद किस में कन्वर्ट होता है, टेट्राथायोनेट यानी S2O3 2- S4O6 2- में कन्वर्ट होता है। अगर हम एन फैक्टर निकालें, यहां पर देखो आपको सल्फर आएगा +2 स्टेट में और यहां सल्फर आएगा 2.5 ऑक्सीजन स्टेट में, तो 2 से गया 2.5, बताओ कितने का चेंज, 0.5 इंटू यहां कितने सल्फर हैं, 2, बताओ चेंज कितने का आया, 1। तो थायोसल्फेट का एन फैक्टर तो यहां पर होगा 1। अब आप ध्यान दो, अगर मैं उल्टा करूं, अगर कोई मुझसे पूछे टेट्राथायोनेट का इन्फेक्टर S4O6 2- का, तो बहुत ध्यान से देखना, S4O6 2- अगर कन्वर्ट हो S2O3 2- में, तो ये था 2.5 और ये है 2, तो अगर इधर से इधर चलें तो 2.5 से 2, बताओ कितने का चेंज, 0.5 इंटू यहां कितने सल्फर है, 4, तो इसका इन्फेक्टर कितना होगा, 2। इस रिएक्शन में आप दोनों का इन्फेक्टर बता सकते हो, इसका इन्फेक्टर 1 होगा जबकि इसका इन्फेक्टर कितना होगा, 2। फिर से ध्यान रखना, इन्फेक्टर निकालते टाइम इधर वाले नंबर, अगर आप इसका इन्फेक्टर देख रहे हो तो यही का नंबर देखो, यहां कितने सल्फर है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसका इन्फेक्टर निकाल रहा हूं तो मैं इसके सल्फर देखूंगा, फिर उधर कितने सल्फर है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आ रही बात समझ में, तो ये थे आपके कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऐसा नहीं कि खत्म हो गए, बहुत सारे है ना, अथाह ज्ञान भरा हुआ है, तो हमें इन सब की जरूरत नहीं है। हम तो उनसे मिल रहे हैं जो हमारे मैक्सिमम टाइम्स काम में आएंगे, जो आपको जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके आगे अपनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम क्यों एक्स्ट्रा अपने ऊपर ही लोड बढ़ाएं। तो आप ये ध्यान रखें, इनके अलावा आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पड़ेगी वहां पर आपको पहले से बताएगा कि भाई ये है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग लगा लेंगे और कुछ चीज़ें क्वेश्चन करते करते भी हम लोग सीखते हैं। तो मेनली आपके पास 4 मेन सब्सटेंस मैंने आपको मिल रहा है, K-MnO4, K2Cr27, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 और ये क्या आपका सोडियम थायोसल्फेट। अभी एक छोटी चीज़ और रह गई है, सोडियम थायोसल्फेट की इसकी एक स्टैंडर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, वो होती है आयोडाइड आयन के साथ। तो वो रिएक्शन आपको याद रखनी है, बहुत आसान है, वो आपके सबसे ज्यादा काम में आएगी। इसलिए तो इसमें क्या होता है, S2O3 2- I2 को रिड्यूस कर देता है I- में, तो ये आप पॉइंट बनाकर लिख लो, इट रिड्यूसेस I2 टू I-। तो रिएक्शन क्या होती है, I2 कन्वर्ट करेगा I- में, खुद कन्वर्ट होगा S4O6 2- में, I2 बदल जाएगा I-। यहां पर आप n फैक्टर्स निकाल सकते हो, बताओ इसका n फैक्टर कितना आएगा, 1, अभी भी हमने देखा 2.2 से जाएगा 2.5 में, 0.5 का चेंज, 2 सल्फर, 1, और यहां आयोडीन का n फैक्टर कितना आएगा बताओ, हां वेरी गुड, 2। आयोडीन 0 से कहां चला गया, -1, 0 से -1, 1 का चेंज इनटू 2 आयोडीन कितना आ गया, 2, तो 1 × 2 इसका n फैक्टर कितना आ चुका है, 2। ठीक है, तो ये अपने काम की रिएक्शन है जिसको अभी हम आगे चल के न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करेंगे। ठीक, तो अभी मैंने आपको सिखाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स का एन फैक्टर कैलकुलेट करना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि आप क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं ना, तो खिचड़ी बनना शुरू हो जाती है। हम लोग बेसिकली टॉपिक पढ़ रहे हैं एन फैक्टर एंड इट्स कैलकुलेशन,
शुरू में मैंने आपको चार पार्ट करवाए थे, एक आयन के लिए, सॉल्ट के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, उन सब के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा। फिर जो अपना फिफ्थ टॉपिक था, ये फिफ्थ ही चल रहा है, फिफ्थ हेडिंग के ही ये सब पार्ट चल रहे हैं, नंबर जरूर याद रखना, ठीक है। तो उसमें हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा था, जिसमें हमने चार कंपाउंड्स को कवर किया है। इनसे आपने ये सीखा कि एन फैक्टर निकालते कैसे। तो अब मित्रों समय आ चुका है प्रैक्टिस का, किसका, प्रैक्टिस का। तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपने जो भी यहाँ सीखा उन सबका, जो भी आपने यहाँ सीखा है वो दिमाग लगा के अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो करो, फिर हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चंस आपके लिए तैयार हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। ये तो वही रिएक्शन आएगी जो मैंने आपको भी दिखाई थी, ये तो बड़ी आसानी से कर दोगे। तो एक बार आप इन्हें ट्राई दें, फिर हम लोग इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और मुझे इसमें कुछ मिस्टेक दिखाई दे रही है, एक चीज़ मैं मिसप्रिंट हो गया। आप यहाँ पर ना इसको Fe2 कर लेना, दिस इज Fe2C2O4 होल थ्राइस, इस कंपाउंड का फॉर्मूला है। हाँ, ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला है, बाकी तो मुझे सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। चलो ट्राई करो, फिर हम इनके आंसर्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अब आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आंसर्स मैच करना आप शुरू करें एक एक का, ठीक है। हम सारे सॉल्व करते हैं एक एक करके, जो नहीं आया होगा आपको अपने आप दिख जाएगा, और जो आया है वो आपने ठीक तरीके से कैलकुलेट किया है नहीं ये भी आप लोग देख लोगे। चलो फर्स्ट वन, I2 कन्वर्ट्स टू IO3-, हाँ जी बताएं, हाँ वेरी गुड। इसका इन्फेक्टर आएगा 10, कितना आएगा 10, कैसे, देखो आयोडीन है 0 से पहुंच गया प्लस 5 स्टेट में, निकाल लोगे ना, माइनस सिक्स उधर गया तो प्लस 6 में से एक गया 5, आयोडीन प्लस 5, तो 0 से 5 का चेंज, 2 × 5, बताओ इसका इन्फेक्टर कितना आ गया 10, सही है। तो ये तो आसान है। सेकंड पे मूव करो, सेकंड क्या है, सेकंड इज N2H4, N2H4 चेंजेस टू HNO2, तो निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस 2 आएगा, कितना आएगा -2, है ना। चलो -2 बताओ, यहां नाइट्रोजन देखो कौन से स्टेट में आ रहा है, +3। अब -2 से +3 कितने का चेंज, 5, ये आप थोड़ा ध्यान रखें, है ना। मैग्नीट्यूड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां कुछ लोग गलती करते हैं, आपको पहले चेंज निकालना है और उस चेंज का सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करना है। जैसे चेंज का मतलब -2 से 3 गया तो चेंज आया कितना, 5 का। अब अगर आप -5 भी बोलते तो भी मैं उसे 5 ही लेता। ऐसा मत करना कि पहले मैग्नीट्यूड ले लिया, 3 − 2 = 1 का चेंज, नहीं, -2 से कहां गया 3, तो उसका चेंज कितना है 5, ठीक। तो अब 5 × कितना हाइड्रोजन है 2, तो 5 × 2 बताओ इसका इन्फेक्टर भी कितना आ गया 10 आएगा। चलो अगला थर्ड कितना आएगा बताओ, थर्ड इज IO4- चेंजेस टू I2, उल्टा ऐसे हो गया सेम, तो बताओ यहां एडिन कौन से स्टेट में, नहीं प्लस 5 में, थोड़ा ना एग्जैक्ट सेम नहीं है, क्या आएगा +7, और यहां एडिन कौन से में 0, बताओ 7 से 0 कितने का चेंज, 7, कितना एडिन है 2, हाँ वेरी गुड। यहां कितना एडिन है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, यहां कितना एडिन है 1, तो यहां से बात करूंगा, बताओ इसका इन्फेक्टर कितना होगा 1, हाँ। अगर वो मुझसे I2 का पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, 0 से गया +7, 7 × 2 कितना होता है 14, तो इस आयोडीन का एन फैक्टर यहां पर कितना आ जाएगा 14, ठीक है। लेकिन अभी तो मुझे रिएक्टेंट वाले का निकालना है, IO4- का। अच्छा एक चीज, एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट दोनों पूछ रहा है, तो अगर मैं इक्विवेलेंट वेट लिखूं तो बताओ यहां पर आयोडीन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास अपॉन 10, यहां पर इसका इक्विवेलेंट मास भी कितना हो जाएगा, मोलर मास अपॉन 10, है ना। तो वो तो आप कर ही लोगे, एक बार एन फैक्टर आ गया तो फिर उसको सिर्फ आपको क्या करना है, मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करना है, याद है ना, फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको, ठीक। चलो आगे बढ़े, फोर्थ क्या होगा, फोर्थ इज VO चेंजेस टू V2O5, तो VO इज चेंजिंग टू V2O5, तो VO में V कौन से स्टेट में है, +2, ठीक। यहां पर देखो इसमें V कौन से स्टेट में है, +5, तो ये +2 से गया +5, बताओ कितने का चेंज आ गया 3,
तो थ्री का चेंज है तो इसका इन्फेक्टर भी कितना होगा, थ्री, क्योंकि यहां पर एक ही वेनेडियम है। सही सही, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है फिफ्थ, इसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम आई हो। Fe 0.940 changes to Fe2O3। ठीक, इसमें भी आपको नॉर्मल तरीके से ही करना है, ज्यादा कोई वो वाली बात नहीं है। देखो Fe 0.940 है तो यहां पर है, आप देखो Fe और O, Fe को हम कौन सी स्टेट में मानकर चलेंगे, यहां पर प्लस टू। ठीक, प्लस टू से Fe यहां पर कौन सी स्टेट में पहुंचा होगा, प्लस थ्री पहुंचा होगा। तो प्लस टू से गया प्लस थ्री, बताओ कितने का चेंज, वन। वन इंटू यहां पर कितने आयरन है, 0.94 आयरन है, तो 1 इंटू 0.94 से आप निकालोगे तो इन्फेक्टर कितना आ जाना चाहिए आपका, 0.94 आ जाना चाहिए। सही है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो आपने सीखा हुआ है तो हम डायरेक्ट इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। थोड़ा ध्यान दें, ये Fe 0.940 है, इनको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। मतलब क्या होता है इसका मतलब, इसका होता है ये, देखो जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पर Fe और ऑक्सीजन दोनों ही स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है, मतलब होल नंबर रेशियो में, लेकिन यहाँ पर ये होल नंबर रेशियो में नहीं है। यहाँ पर Fe 0.94 और साथ में क्या है, ऑक्सीजन का 1, तो रेशियो अजीब सा आ रहा है, फ्रैक्शनल रेशियो है, तो इनको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आती है। तो इस वाले के अंदर क्या होगा, इस कंपाउंड में दो तरह के Fe होते हैं, एक Fe प्लस टू में भी होता है और एक Fe कौन सी स्टेट में होता है, प्लस थ्री स्टेट में होता है। तो दो तरह के आयरन यहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो बताओ टोटल आयरन कितना है, 0.94 है। इसमें से मान लो x है ये, तो बताओ ये Fe3 प्लस कितना होगा, 0.94 माइनस x होगा। तो देखो ये तो हो गया x, ये हो गया 0.94 माइनस x। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करने का ना दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो करना। ये थोड़ा लेंथी तरीका है, ठीक है, दूसरा तरीका थोड़ा आसान रहेगा। पहले आप इसे देख लो। अब आप क्या करो, भाई कंपाउंड पूरा था Fe 0.940, ठीक, तो हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे चार्ज। तो यहाँ पर देखो टोटल प्लस टू चार्ज कितना है, 2x जितने आयरन है, प्लस टोटल प्लस थ्री चार्ज कितना है, 3 × 0.94 माइनस x, माइनस टू ऑक्सीजन होता है, टोटल नेट चार्ज हो गया जीरो क्योंकि पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। तो आपको थोड़ा सॉल्व करो, तो देखो बनेगा 2x प्लस 3 × 0.94 बन गया 2.82 माइनस 3x, इस 2 को उधर भेज दो, इक्वल टू 2। तो देखो 3x में से x गया तो माइनस x बचेगा, माइनस x को इधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी 0.82। ठीक, तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे, इस कंपाउंड में Fe 0.940 में एक्चुअली कुछ ऐसा था कि Fe प्लस टू भी था और Fe प्लस थ्री भी था। Fe जो प्लस टू है वो तो है 0.82 और बाकी जो 0.12 बचा वो कौन है, Fe 3 प्लस। ठीक है, अब यहां से Fe कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Fe 2O3 के अंदर। तो यहां Fe कौन सी स्टेट में आ रहा है, प्लस थ्री। तो बताओ पहले से इतना Fe तो प्लस थ्री में था ही, ये प्लस थ्री से प्लस थ्री पहुंच गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, प्लस थ्री था प्लस थ्री है। चेंज कौन सा हुआ, ये वाला। तो कितना चेंज हुआ, प्लस टू से प्लस थ्री एक का चेंज, इनटू कितने आयरन चेंज हुए, 0.82। तो 0.82, तो यहां पे इसका इन्फेक्टर भी कितना आएगा, 0.82। ठीक है, इन्फेक्टर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन्फेक्टर सिर्फ जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल होगा, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शनल होगा या वो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, कई बार क्या होता है आपका आंसर 130 150 भी आ सकता है, तो ये मैं सोच रहा हूँ और 150 आंसर आ रहा है, कोई नहीं, नॉर्मली आपके 5, 6, 8, 10 आते हैं, लेकिन वो हायर वैल्यू पे भी जा सकता है, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीका तो ये है, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा लेकिन ये भी आपको देख ही लिया आपने। दूसरा तरीका, तो देखो आंसर में डिफरेंस दिख रहा है, अगर आप इससे करते तो 0.94, एक्चुअली इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.82, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। अगर ये प्लस टू होता ना तो यहाँ पर Fe1 ही होता,
FeO इसका फॉर्मूला होता, तो कभी भी इस एंगल से मत सोचना। अब देखो इसका दूसरा मेथड, तो दूसरे मेथड के लिए हम कलर भी दूसरा यूज करेंगे, मेथड टू। उसमें क्या करो, आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से बात करो। भाई कंपाउंड का फॉर्मूला है Fe0.940, तो मान लो यहां Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है X, है तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 0.94 इंटू Fe का ऑक्सीडेशन नंबर X माइनस ऑक्सीजन का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2/0.94, जिसे मैं 200/0.94 लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये Fe0.94 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2O3 में। तो यहां पर Fe है 200/94 स्टेट में, और यहां से ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में। बताओ चेंज कितने का आ गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3 - 200/94 आएगा, ये तो आया चेंज। तो बताओ n फैक्टर कैसे निकालेंगे, चेंज को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ आयरन एटम से। तो कितने आयरन एटम है, 0.94, तो ये 3 - 200/94 को आप फाइनली मल्टीप्लाई कर दो 0.94 से, ठीक है। तो आओ ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो 3 × 0.94 बन गया 2.82 माइनस, ये पॉइंट से दो जीरो गए, 94 से 94 गया 2 - 2.82 - 2, आंसर कितना आ जाएगा 0.82। तो चाहे आप इस मेथड से कर लो, चाहे आप इस मेथड से कर लो, दोनों से आंसर क्या मिलने वाला है आपको, सेम। लेकिन इस मेथड से सॉल्व मत करना, वरना आंसर गलत करके आओगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसने आपको एक नई चीज सिखाई कि अगर कभी ऐसा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड आता है तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इससे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा कम कैलकुलेटिव है, लेकिन कई बार ये ना क्लिक नहीं करता है, तो फिर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। खैर जैसा आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व करो, मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए, क्लियर। कॉपी करो, फिर मूव करते हैं अगले वाले पे। फिर देखो अगला केस अपना, दैट इज सिक्स्थ कंपाउंड है Fe2C2O4 होल थ्राइस। Fe2C2O4 होल थ्राइस में क्या है, आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऑक्सीलेट होता है माइनस टू, आप जानते हैं, तो ऑक्सीलेट पे माइनस टू आएगा, तो Fe पे कौन सा स्टेट आएगा, +3। ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 + CO2 के अंदर, ठीक है। तो देखो Fe गया +3 से +3, क्लियर। Fe में तो कोई चेंज आया ही नहीं, अब चेंज किस में आया, कार्बन में। तो देखो यहां कार्बन कौन से स्टेट में होता है, +3, यहां से कार्बन कौन से स्टेट में पहुंचा, प्लस। ध्यान से देखना, तो +3 से +4 गया, कितने का चेंज आ गया, 1 × बताओ यहां कितने कार्बन है, हाँ टोटल 6 देखना है ना, सिंगल नहीं भाई, ये C2O4 है, फिर इसके भी कितने मॉलिक्यूल है, 3। तो टोटल कार्बन कितने होंगे, 2 × 3 = 6, यानी इस कंपाउंड का n फैक्टर भी कितना हो गया, 6, क्योंकि यहां पर अभी आयरन चेंज नहीं हो रहा है। क्या होता अगर आयरन भी चेंज होता, तो वैसे वो अगला केस आ गया है, लेकिन अभी उसको स्किप करेंगे क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया नहीं है, ये गलती से यहां पर आ गया है। तो आप 7th में भी करेक्शन कर लो, 7th में ऐसे लिखो Fe C2O4 चेंजेस टू, लिखा हुआ है Fe+2 + CO2, यहाँ +3 है उसकी जगह +2 कर लो, है ना, करेक्शन कर लो, उसके अंदर +2 नहीं लिखेंगे अपन इसको, क्यों फिर केस बदल जाएगा, मैंने अभी कवर नहीं करवाया तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ उसकी, अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीलेट होता है -2, Fe आएगा +2, Fe तो +2 से +2 कोई चेंज नहीं आया, कार्बन, यहाँ कार्बन वही +3, यहाँ +4, +3 से +4 गया, 1 का चेंज × 2 कार्बन, तो इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा, 2, सही है। तो इसका n फैक्टर 6, इसका n फैक्टर 2। 8th लास्ट Na2S2O3, तो मैंने आपको ये बताया था Na2S2O3 + I2 चेंजेस टू क्या बनेगा, Na2S4O6 + 2 Na I। तो ये वही S2O3 2- thiosulfate आयन, यहां सल्फर आएगा +2 स्टेट में, यहां पर आएगा 2.5, है ना,
0.5 का चेंज इनटू 2, तो इसका इन्फेक्टर हो गया 1, I2 का इन्फेक्टर कितना आएगा 2, ये तो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया ही था, ठीक है। तो ये थे आपके पास कुछ केसेस जिनमें आपको इन्फेक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इन सब में क्या हो रहा है, या तो ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया इन सब केसेस के अंदर, तो अभी तक हमने सिर्फ वो केसेस कवर किए जहां पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, दूसरे का चेंज नहीं हो रहा है। क्या हो कि अगर दूसरे का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, तो अब हम उन केसेस को कवर करने वाले हैं जहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। तो हेडिंग डालें नेक्स्ट। इसके बाद अभी तक हमने जो भी केसेस कवर किए हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर, सिर्फ वो केस कवर किए जहां पर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। अब हम कवर कर रहे हैं दूसरे केसेस, तो आप पॉइंट बना के हेडिंग डालें, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ मोर देन वन एलिमेंट चेंजेस इन अ कंपाउंड। तो अब एक कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। देखो ये केसेस इंपॉर्टेंट अब इसलिए हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं, और दिखाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम उनको देखते ही नहीं हैं, ठीक। तो कैसे देखना है मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम केसेस कवर करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या ध्यान रखना है और क्या ध्यान नहीं रखना है, ठीक। तो चलो इसके लिए मैं आपके सामने एक सबसे पहला एग्जांपल लूं, लेकिन एग्जांपल लेने से पहले आप देखो ये एक मॉलिक्यूल है AB, ठीक। अब यहां पर भी और केसेस बन सकते हैं ना, इसलिए तो ये AB है। अब A का और B का दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, तो यहां पर तीन केस पॉसिबल हो सकते हैं। क्या कि मान लो A है +2 में और B है -2 में, या B है +1 में। अब या तो हो सकता है कि दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, या हो सकता है कि दोनों का ही कम हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक का बढ़ जाए और एक का क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एक कंपाउंड में जब दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर एक साथ बदल रहा है, तो उसमें भी हम तीन कैटेगरीज बना सकते हैं। तो तीन कैटेगरीज क्या हैं, तीन की जगह एक्चुअली दो ही कैटेगरीज हैं। तो पहला बनाते हैं केस वन। तो केस वन क्या कह रहा है, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ All the elements, है ना, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, either increases or decreases, यानी सारे elements का oxygen नंबर या तो बढ़ रहा है या फिर सारे का ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उस केस में हम इन्फेक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है, आप याद भी रख लोगे फिर इसको। तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, Fe C2O4, और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ C2O4 इंटू CO2। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना, क्या आप मुझे यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, तो बताएं यहां पर, खैर यहां पर आयरन कौन सी स्टेट में है, +2, यहां आयरन कौन सी स्टेट में है, +3। बताओ यहां पे आप मुझे कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट बताओ कितना, हाँ वेरी गुड, +3, और यहां कार्बन कौन सी स्टेट में है, +4। तो अब क्या है ना, आपको आदत बनानी पड़ेगी, हर कंपाउंड में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस किस का ऑक्सीजन नंबर बदल रहा है। हमेशा इसी निगाह से आप इसे देखोगे, क्या हमारी आदत होती है एक ही चेंज देखने की, कि एक जो दिख गया उसको देख लेते हैं। अब आपको हर बार ये चेक करना चाहिए कंपाउंड आने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, कि पहले ये देखो कि उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। जैसे मैंने यहां देखा, यहां पे आयरन +2 से जा रहा है +3 में, तो आयरन जा रहा है +2 से +3 में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये आपका कार्बन कहां जा रहा है, ये जा रहा है +3 से +4 में, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये केस बन गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स Either increases or decreases. तो देखो Fe2+ का भी बढ़ रहा है, Fe3+ का भी बढ़ रहा है। तो अब इस केस में हम इसका इन्फेक्टर कैसे निकाले, बहुत आसान है, अभी तो मैं एक फॉर्मूला ही बना दूंगा, पर पहले लॉजिक समझो। बताओ इन्फेक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको इन्फेक्टर की एक बेसिक डेफिनेशन लिखाई थी, याद है,
हाँ वेरी गुड, क्या लिखा था मैंने आपको, चार्ज एक्सचेंज्ड पर मोल, ठीक है, ये पर मोल ऑफ सब्सटेंस या पर मॉलिक्यूल बोल लेते हैं अपन, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ने नेट कितना चार्ज एक्सचेंज किया, लिया या फिर दिया, उसको हम क्या बोलते थे, एन फैक्टर। अब आप मुझे बताओ, ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें Fe भी है और इसमें कार्बन भी है, बताओ Fe ने प्लस टू से प्लस थ्री जाने में यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, वन, ठीक। चलो बताओ इस कार्बन ने कितने लूज किए, प्लस थ्री से गया प्लस फोर, कितने का चेंज, वन, इंटू कितने कार्बन, टू, तो कितना हो गया टोटल चेंज, टू। तो देखो इस मॉलिक्यूल में दो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, Fe एक लूज कर रहा है और कार्बन दो लूज कर रहा है, बताओ ओवरऑल मॉलिक्यूल ने कितने लूज किए, बस कितने लूज किए, थ्री लूज किए ना, तो अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल ने थ्री लूज किए हैं तो इसका इन्फेक्टर कितना होगा, थ्री ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मॉलिक्यूल। या तो आप ऐसे सोच लो, सही ना, इसी लॉजिक से अपन फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर या तो बढ़ रहा है या फिर दोनों का ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस केस में एन फैक्टर दोनों के एन फैक्टर के सम के बराबर आ जाएगा, मतलब आप दोनों का इलेक्ट्रॉन चेंज निकाल लो और उसको क्या कर दो, ऐड। अगर यहां तीन होते तो तीनों का इलेक्ट्रॉन चेंज निकालते और तीनों को ही क्या कर देते, ऐड कर देते। बात समझ में आ रही है, तो बताओ आयरन का इलेक्ट्रॉन चेंज कितना, वन, प्लस कार्बन का कितना, टू, टोटल चेंज कितने का हो गया, थ्री का हो गया। आई बात समझ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये इन जनरल नजर नहीं आता लेकिन आपको आना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप इनको न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज कर पाओगे। कॉपी करो, फिर मैं आपको अगला एग्जांपल देता हूं। फिर देखो दूसरा केस लेते हैं, अभी देखो यहां तो क्या हो रहा था, दोनों का ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा था, अगर दोनों का कम हो, दोनों का कम हो तो भी आप सेम मेथड फॉलो करोगे, क्यों, मैं उसका लॉजिक आपको दिखा देता हूं। तो मान लो मेरे पास कंपाउंड है Fe2O3, ये कन्वर्ट हुआ Fe+O2 में, ठीक है, बैलेंस करना चाहो तो 2Fe3/2O2, खैर छोड़ो, बताओ यहां आयरन कौन सी स्टेट में है, प्लस थ्री, बताओ ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है, माइनस टू है, बताओ आयरन कौन सी स्टेट में पहुंचा, जीरो, और ऑक्सीजन भी कौन सी स्टेट में पहुंच गया, जीरो पहुंच रहा है। तो देखो यहां पर आयरन का ऑक्सीजन नंबर क्या हो रहा है, कम, कितने यूनिट से, तीन यूनिट से, इंटू इंटू कितने आयरन है यहां पर, दो, तो थ्री इंटू टू इज सिक्स, सही है। ऑक्सीजन माइनस टू से कहां पहुंच रहा है, जीरो, तो कितने का चेंज, टू इंटू यहां पर भी कितने ऑक्सीजन है, थ्री, दैट इज सिक्स। अब आप देखो एक ही कंपाउंड में दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है और दोनों के दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, तो फिर से वही चीज, छह इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीजन नंबर कम हो रहा है तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो बताओ यहां आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, सिक्स, बताओ ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, सिक्स, सिक्स आयरन ने किए, सिक्स ऑक्सीजन की ने किए, बताओ दोनों ने मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन गेन्स किए, हाँ 12, तो बस इसका इन्फेक्टर कितना हो जाएगा, 12 एज टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय Fe2O3, Fe2O3 ने टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, या फिर जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया आप उससे भी निकाल सकते हो, n फैक्टर विल बी इक्वल टू आयरन का चेंज 6 प्लस ऑक्सीजन का चेंज 6, टोटल चेंज कितने का आ गया, 12, कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, अभी तो पहला ही केस हुआ है जब दोनों एलिमेंट्स का या तो बढ़ रहा है या दोनों का क्या हो रहा है, कम। नेक्स्ट क्लास हम दूसरा केस कवर करेंगे जब एक का बढ़ेगा और दूसरे का क्या होगा, कम होगा, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केसेस बनेंगे, कवर करेंगे, लेकिन अभी समय आ चुका है इनकी प्रैक्टिस करने का, तो आपके लिए तैयार है आपकी प्रैक्टिस शीट छोटी सी जिसमें आप इन केसेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के एनफैक्टर कैलकुलेट करने वाले हो। तो ये पांच क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आप इन्हें ट्राई करें, अच्छी तरह से ट्राई करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले इनको डिस्कस करेंगे और फिर यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। इस कंपाउंड का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये Fe2 ये सल्फाइड नहीं है, ये होता है आयरन सल्फाइड जहां पे सल्फर होता है -2। सिंस आप इसको नहीं जानते होंगे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ट्राई दे सको। Fe2 इस कंपाउंड का नाम होता है आयरन पाइराइट्स, क्या बोलते हैं हम इसको, आयरन पाइराइट्स, और इसमें जो S2 आयन है एक्चुअली S2 2- आयन है,
H2 2 माइनस, यानी यहाँ पे सल्फर का स्टेट -1 है। आगे आप समझदार हो, ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक बाय बाय।